नमस्ते बच्चों आज हम पाठ पंद्रह नौकर पढ़ने जाने वाले हैं यह पाठ गांधी जी के बारे में है बंदोपाध्याय ने लिखा हुआ इस पाठ में उनके बारे में उनके डे टू डे वर्क के बारे में हमें पता चलता है वो कितने खुशी से हर काम करता था ये सब इस पार्ट से हमें पता चलेगा अनु अध्याय स्वतंत्रता आंदोलन के साथ साथ सामाजिक कामों में भी गांधी जी की अभिन्न सहयोगी रही डूइंग सोशल वर्क टूगेदर दैट शिवा से हेल्पर ऑफ गांधी दैट मच अभिन्न सहयोगी रही उन्होंने कलेक्टेड वर्क्स ऑफ महात्मा गांधी महात्मा गांधी के बारे में कुछ कलेक्टेड वर्क्स उसका संपादन किया है अलावा कस्तूरबा ट्रस्ट के साथ भी काम किया है दे हैव ए ट्रस्ट ऑफ कस्तूरबा ट्रस्ट एंड शी वर्क देयर ऑल्सो बहुरूपी बहुरूप गांधी में लेखिका ने गांधी जी के दिनचर्या के उन कार्यों को रोचकता से लिखा है बहुरूप गांधी यू कैन सी ए मल्टीपल Gandhi in one man that she written and his Dhinacharya, his day-to-day -day work, how she he is doing with very interest that she returned nicely in this lesson. We can start the lesson. Open your textbook, page number. I will divide into three this lesson and the three videos you will get plus one video for notes and एक्सरसाइज uh, and meanings, क्वेश्चन आंसर्स etc. so totally might be four videos are there. Take your page number, page number 105, part 15, पार्ट पंद्रह नौकर आश्रम में गांधी कई ऐसे काम भी करते थे जिन्हें तौर पर नौकर चाकर करते हैं गांधी वास डूइंग इन इस हेरमिटेज द वर्क जनरली सर्वेंट्स आर doing. जिस जमाने में वे बैरिस्ट्री से हजारों रुपये कमाते थे उस समय भी वे प्रतिदिन सुबह अपने हाथ से चक्की पर आटा पीसा करते थे He was having ए income of थाउजेंड rupees of his advocate work in court, and even then he was doing his work from morning.

पोडी uh, बोलललद मोटा आटा मींस लाइक रवा पोले खूत पीस लेते थे लाइक इन देर हाउस दे देमसेल्फ वर डूइंग दिस टाइप ऑफ आटा देयर इस रफ एंड स्मूथ आल्सो साबरमती आश्रम में भी गांधी ने पिसाई का काम सारे रखा इन साबरमती

प्रॉपर एक बार एक कार्यकर्ता ने कहा कि आश्रम में आटा कम पड़ गया वन डे द वर्कर ऑफ दैट लेस इन आटा आटा पिसवाने में हाथ बंटाने के लिए गांधी फौरन उठकर खड़े हुए खड़े हो गए एंड वेन ही सेड लाइक दैट ही वॉन्ट टू हेल्प एंड वेक वेकअप फ्रॉम द प्लेस एंड ही वेंट गेहूं पीसने से पहले उसे बीनकर साफ करने पर वो शोर देते थे बिफोर इट ग्राइंड बिफोर इट मेक इट टू आटा ही वॉन्ट टू क्लीन द वीट फर्स्ट कोपिंदारी इस महान व्यक्ति को अनाज बीनते देखकर उनसे मिलने वाले लोग हैरान पड़ जाते द पर्सन हु इज कमिंग फॉर मीटिंग हिम हुए इट इज इवन द आउटर ब्रिटिश पीपल और हुए इट इज कमिंग टू सी हिम

कोई छात्र मिलने आए वन डे सम कॉलेज चिल्ड्रन कॉलेज स्टूडेंट्स कम एंड मीट हिम उनको अंग्रेजी भाषा के अपने ज्ञान का बड़ा गर्व था दे आर वेरी प्राउड दैट दे कैन स्पीक इंग्लिश एंड दे नो इंग्लिश लाइक द अदर्स देर्स आर कल्चरलेस गांधी गांधी से बात बातचीत के अंत में वे बोले आफ्टर दे हैव हैवे कॉन्वर्सेशन विद गांधी देन ही सेड दैट बापू यदि मैं आपकी कोई सेवा कर सकूं तो कृपया मुझे अवश्य बताइए सो ही दीप चिल्ड्रंस डेट सेट द कॉलेज स्टूडेंट सेड दैट इफ यू वॉन्ट एनी हेल्प फ्रॉम अस यू कैन यू कैन से वी विल डू इट उन्हें आशा थी कि बापू उन्हें कुछ लिखने पढ़ने का काम देंगे दे होप दैट ही विल गिव सम रीडिंग एंड राइटिंग थिंग्स टू देम टू वर्क

आंगन तो बड़ी मुश्किल में पड़ गए द गस्ट वॉस इन ट्रबल लेकिन अब तो कोई चारा नहीं था नाउ देर इज नो वे ही ऑलरेडी सेट दैट इफ यू हैव एनी वर्क यू कैन गिव मी सो सो गांधी गिवन द वर्क टू क्लीन द दिथ सो ही गॉट शॉक एक घंटे तक गेहूं बीनने के बाद तो थक गए हाव एन आवर ही वॉस वर्कड विथ क्लीन द वीट एंड ही टू टयर्ड और गांधी से विधा मांगकर ही सेड बाय बाय एंड ही वेंट कुछ वर्षों तक गांधी ने आश्रम में भंडार का काम संभालने में मदद की एंड सम इयर्स गांधी वाज डूइंग द वर्क टू हैंडल द स्टोर स्टोर मीन्स वी आर कीपिंग सो मेनी थिंग्स ना स्टोर रूमिल आर्काय गांधीजी की कुरे ना सवेरे के प्रार्थना के बाद वे रसोई घर में जाकर सब्जियां छीलते थे मॉर्निंग आफ्टर स्प्रेयर्स ही विल गो एंड पीलिंग द वेजिटेबल्स रसोई घर या भंडारे में अगर वे कहीं गंदगी या मकड़ी का जाला देख पाते तो वो अपने साथियों को आड़े हाथों में लेते इफ सो इन स्टोर रूम एंड द किचन इफ इन बैड स्मेल गंदगी मीन बैड स्मेल और the spider web he is seeing in that room he will catch them and said go and clean it properly when a sub ji or ke posti gona he was having a well knowledge of the nutrients in uh, vegetables and uh, fruits and in pulses also ek bar ek a bina one day, one uh, the pe person who is living in uh, that monastery, uh, he without washing the potato, he cut. Gandhi ne usse alu aur nimbu ko bina doye nahi karna chahiye, and he make him understand that without washing potato and nimbu uh, means a uh, lemon uh, cannot cut. You have to.

तब गांधी ने उसे समझाया कि जल्दी पच जाते हैं और तुम्हें खास तौर पर इसलिए दिए गए हैं कि तुम्हारा हाजमा कमजोर है वेन द पीपल आर ओल्ड आवर डाइजेशन विल बी वीक सो यू टोल्ड दैट इफ इट इज राइपन वन इट इज वेरी गुड वेन यू आर सींग द ब्लैक रैक्स इट इज पच जाना मीन्स इट विल डाइजेस्ट इजली especially you people because you are old so when you eat it it will digest easily that's why we purposely given it gandhi ashram ko aksar swayam he bhojan paroste the and gandhi was he himself serving the food to that <coughs> uh, ashram Vasi, those who are living in that hermitage is karan वे बेचारे बेस्वाद उबली हुई चीजों के विरुद्ध कुछ भी कुछ कह भी नहीं पाते थे विल ईट एंड अगेंस्ट एनीथिंग दक्षिण अफ्रीका की एक जेल में वे सैकड़ों कैदियों को दिन में दो बार भोजन परसने का का कार्य कर भी चुके थे एंड इन दक्षिण अफ्रीका दैट इज साउथ अफ्रीका इन ए जेल ही वॉज गिविंग टू टाइम्स द फूड फॉर द दो आर हैविंग साइकड़ों कैदी मीन्स हंड्रेड मोर देन हंड्रेड जेलर्स वी से दो जेल्ड ओके एंड दिस मच ओनली दिस वीडियो आई एम टेकिंग So, page number 106, last para, we will start next audio. Till then, children, bye bye.